कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नितिन राव जी आज हमारे साथ में, इनसे पूछते कि महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के कितने लोगों को टिकट मिले और कांग्रेस की क्या भूमिका रहेंगी जिस और कांग्रेस को कैसे प्लस करोगे, क्योंकि 2014 में देखा गया था कि कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई थी, लेकिन इस बार 2019 में कांग्रेस को किस तरीके से बढ़ावा मिलेगा। नमस्कार, ये बताइए 2019 में आपको एक बुरी तरह हार हुई थी अपनी कांग्रेस की, जो जबकि 15 साल से सत्ता में रहने के बाद भी, लेकिन इस बार 2019 में क्या भूमिका रहेंगी अपनी? अभी महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव का प्रारंभ हो चुका है, 27 तारीख से नॉमिनेशन भरना चालू हो गया है, तकरीबन 29 रिजर्व सीट से एससी के और टोटल 288 सीटों पे चुनाव हो रहा। इन चुनाव में राष्ट्रवादी पार्टी के साथ हमारा अलायंस होने जा रहा है और छोटी छोटी पार्टियां हैं उनसे भी हम अलायंस करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ विधानसभा का चुनाव लोकल मुद्दों पे लड़ा जाता है और कई ऐसे मुद्दे रहते कि जो प्रभावित करते कि यह इस क्षेत्र के समस्याओं को, और उसमें हमें लगता है कि जो नाकामी भी देवेंद्र फडणवीस सरकार को मिली है वो नाकामयाबी के वजह से हमको अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा और हम चुनाव में अग्रसर रहेंगे। 2014 में जिस तरीके से देखा गया था, बहुत बीजेपी ने बहुत सारे वादे किए थे, विदर्भ की मांग किए थे, रोजगार की बात की थी, जिसके कारण लोगों का एक उनके तरफ में झुकाव हो गया था। क्या लगता कि वो रोजगार और विदर्भ की मांग को लेकर वो सक्षम रहे? जो वादे 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने, नितिन गडकरी जी ने जो किए, आज वो खोखले नज़र आ रहे हैं। एक भी वादा उन्होंने पूरा किया नहीं, तो वादा खिलाफी यहाँ के जनता के साथ उन्होंने की है। और उन्होंने पहले तो ये कहा था विदर्भ में प्रचार करते वक्त कि हमारा सरकार आ जाएगी, हमारी मेजॉरिटी आएगी तो हम पृथक विदर्भ देंगे, तो उन्होंने पृथक विदर्भ दिया नहीं। ठीक है कि पृथक विदर्भ नहीं दिया, विदर्भ का मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने इसका डेवलपमेंट करना चाहिए था, तो डेवलपमेंट में भी कोई ठोस ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ उन्होंने लाई है तो कोई बड़े बड़े ऐसे काम के जिससे रोज़गार यहाँ पर उपलब्ध हो सके। तो मैं समझता हूँ कि उनकी है पूरी तरीके से वे फेल हो गए हैं। एक प्रकार से उन्होंने झूठा आश्वासन यहाँ की जनता को दिया था, और जैसे कि आपने देखा होगा कि विदर्भ का मुद्दा अगर हमने बात की तो केवल पृथक विदर्भ की बात ही नहीं होती है, तो उसके साथ यहाँ पर पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट में जो कुछ भी मंजूर किया गया था उस आर्टिकल को मंजूर करके इन्होंने व्यवस्था करनी चाहिए थी, जिसमें कि महाराष्ट्र सरकार के जितने बड़े बड़े मुख्यालय हैं जो आज पुणे में हैं वो नागपुर में लाने की बात थी। दूसरी बात थी कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या के आधार पर हम यहाँ पे रोज़गार उपलब्ध कराएंगे, तो ना उन्होंने पृथक विदर्भ दिया, ना ही उन्होंने रोज़गार बना उपलब्ध करा के दिया, ना ही ये सरकारी का कार्यालय यहाँ ला सके, ना ही इन्होंने किसी प्रकार की इंडस्ट्रीज लाने का यहाँ पे बड़ी बड़ी काम किया है, तो इसको फेल्योर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? रामदेव बाबा को एक बहुत बड़ी जगह दी गई थी, जिसके रामदेव बाबा से नागपुर शहर में रोज़गार मिलेगा किया गया था, और से युवा लोगों को भी रोज़गार के ऊपर में बीजेपी सरकार ने खूब उस समय 2014 में खूब वादे किए थे रोज़गार के मुद्दे पर। और रामदेव बाबा, जिस तरीके से रामदेव बाबा के यहाँ पर उद्योग आने वाले थे, बिजनेस आने वाला था कि वो जिसे हम रोज़गार दिलाएंगे, क्या ये पूरा हुआ? देखो, अब रामदेव बाबा को इन्होंने जो ज़मीन दी है वो ज़मीन एक तो बहुत कंसेशन के दाम पर इन्होंने दी, और वहाँ अभी तक के तो मुझे किसी रोज़गार का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। मैं तो मुझे नहीं लगता कि वे किसी प्रकार से रोज़गार या उपलब्ध कराएंगे, इससे तो नुकसान ही हुआ है ये विदर्भ की जनता का, नागपुर की जनता का, और निरुत्साह हुआ है। युवा को रोज़गार का मुद्दा बहुत था, उन्हें हमेशा युवा को लोगों को अपने साथ जोड़ के रखे, क्या लगता है रोज़गार कितने मिला 2014 से 2019 के बीच में, कितना रोज़गार मिला या कम हुआ?
नहीं, सरकारी खेमों की एडवर्टाइजमेंट ही नहीं, जाहिरात नहीं निकलती है, नौकरियां नहीं निकल रही, तो रोज़गार कहां से मिलेगा? और जो हमारी जो कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उसमें जो रोज़गार हमको मिलता था, आज डिमांड्स ही नहीं है पूरे देश के अंदर, तो जो प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन ठप पड़ा हुआ है। तो जहां वो यूनिट्स बंद कर रही बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, चाहे ऑटो सेक्टर ले हो, टेक्सटाइल सेक्टर ले हो, या कोई और सेक्टर्स ले हो, उसमें जब एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है, तो नए रोज़गार का क्रिएशन कहाँ से होगा? तो एक प्रकार से इस सब्जेक्ट पे रोज़गार के, यह सरकार पूरी तरीके से हमें बेवकूफ़ बना रही है, और इन्होंने ये निकम्मी ठहरी है सरकार, इन्होंने कोई काम नहीं किया है। नागपुर शहर में जिस तरीके से देख रहे हैं कि मेट्रो और सीमेंट रोड का काम बड़ी स्पीड से चल रहा है, जैसे सत्ता में बीजेपी आते ही सबसे पहले मेट्रो सीमेंट का रोड का काम, क्या लगता है ये विकास है या नहीं? देखिए, मेट्रो और सीमेंट रोड बनाना ये कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होता है। डेवलपमेंट का काम ऐसा होता है कि अन्न वस्त्र निवारा, इन तीन चीज़ों पे जो खड़ा होता है एक परिवार, वो परिवार को मुहैया कराना। आज ना फूड सिक्योरिटी यहाँ पर है, ना वस्त्र की सिक्योरिटी यहाँ पर है, ना कोई रेसिडेंशियल सिक्योरिटी है, झोपड़पट्टी के पट्टे नहीं मिले हैं, नए लेआउट्स में डेवलपमेंट नहीं है। तो तमाम बातों पर बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से फेलियर हो चुकी। किसान आत्महत्या कर रहे, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, ना उनको पीक बीमे के पैसे मिल रहे हैं, तो ऐसे में चलेगा कैसा? आज तो सब लोग त्रस्त है, और वो त्रस्त होने वाले सारे लोग, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार युवा हो, चाहे विद्यार्थी हो, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप्स नहीं मिले, दलितों को यहाँ पर प्रवृत्त किया जा रहा, उनका उत्पीड़न किया जा रहा, उनको मारा जा रहा, उनकी हत्याएँ हो रही है। ऐसे में मैं समझता हूँ कि कोई भी वर्ग यहाँ पे खुश नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही प्रदर्शन करेगा और कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी। कांग्रेस ने आपके हाथ में एक पूरा महाराष्ट्र सौंपा है, चुनाव का आपके पास जिम्मेदारी दी है, किस तरीके से निभाओगे इस बार? कांग्रेस पार्टी ने मुझे, कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और उसके पहले कांग्रेस अध्यक्ष रहे हमारे युवा नेता श्री राहुल गांधी जी ने विश्वास व्यक्त किया, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी मुझ पर। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको न्याय दे सकूं, और मेरी कोशिश है कि मैं उसको न्याय देने में सफल होऊंगा। मैंने अपना काम चालू किया है, मेरी टीमें काम कर रही है यहाँ पर, पक्ष की संगठन हमारी काम कर रही है, और मुझे विश्वास है कि टिकट वितरण के बाद सब लोग ईमानदारी के साथ पार्टी को चुना कर देने में कंधे से कंधे लगा कर काम करेंगे। आप 2014 के पहले में आप यहाँ उत्तर नागपुर के आमदार थे, उस समय आपने कई प्रोजेक्ट यहाँ पर लाए, देखा गया कि उनमें से कुछ प्रोजेक्ट तो बंद हो चुके हैं 2014 के बाद। उस समय बीजेपी ने खूब वादे किए थे कि हम, अगर हमारी सरकार आती है, जो कांग्रेस के जो प्रोजेक्ट है वो जो अधूरे है वो हम पूरे करेंगे, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी पूरे हुए या नहीं हुए? मेरे रेजिम में, मेरे कार्यकाल में मैंने जितने भी प्रोजेक्ट लाए थे, काम किए, शुरू किए थे, वो लगभग आधे से ज़्यादा तो पूरे हो चुके हैं। और एक जब सबसे बड़ा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर है जो लाल गोडाउन के पास बन रहा है, वो प्रोजेक्ट 113 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसका काम चल रहा है और वो भी अंतिम इस पर है। उसका भूमि पूजन कांग्रेस की सरकार ने किया था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में हम पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट लाना चाहते थे, वो सरकार ने मंजूरी दी थी, कैबिनेट में उसका प्रस्ताव भी आया और 259 करोड़ रुपया उसके लिए मंजूर भी हुए थे, लेकिन ये सरकार ने उस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया अभी तक के। ये सरकार नहीं चाहती कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नाम का यह रिसर्च सेंटर यहाँ डेवलप हो, और उन्होंने वो काम किया। मैंने यहाँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लाया था, वो भी ये लेकर मिहान चले गए हैं, और जहाँ चाहते नहीं है कि उत्तर नागपुर का डेवलपमेंट हो, यहाँ के MLA ने उसके लिए ध्यान भी नहीं दिया है। वे अगर कोशिश करते तो शायद इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं गया रहता, लेकिन उनकी नाकामी भी इसमें दिखती है कि वो उसको रोक नहीं सकें। उत्तर नागपुर से आपको फिर से एक बार टिकट मिलती है, तो क्या आपकी जो हॉस्पिटल का मुद्दा हो गया, कॉलेज का मुद्दा हो गया, कॉलेज का वापस लाओगे, और हॉस्पिटल का जो मुद्दा आपने इतना अच्छे दो चार योजना थी उनको पूरा कर पाओगे?
मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैंने जो काम शुरू किए थे उसको पूर्ण रूप से सफल बनाऊं, साथ में मैंने जो वादा उत्तर नागपुर की जनता के साथ किया था वो वादा भी मैं पूर्ण करूं, लेकिन उसके पहले कांग्रेस हाईकमांड क्या निर्णय करती है वो निर्णय का इंतजार है। टिकट वितरण में वो किसे टिकट देती है, जिसको भी टिकट देंगी मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। महाराष्ट्र में क्या रहेगा कांग्रेस की भूमिका इस बार? कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलकर इस बार अलायंस होकर अपने लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस इस बार 2019 में जम मारेंगी? 2019 में कांग्रेस को अच्छा एडवांटेज है इस चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कई बातों पर फेल्यूरनेस है, असफलता उनको मिली है और वो असफलताओं को ही लेकर हम आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उस पर विजयी बनेंगे। बीजेपी के जो वादे हैं सत्ता में रहेंगे तो हम पूरे करेंगे, वो तो पूरे फेल होते हुए आप बता रहे हैं, लेकिन अभी आप बता सकते हैं कि उनके और कौन कौन इसमें वो फेल हुए जिसके कारण कांग्रेस प्लस हो सकती है, सत्ता में आ सकती है? देखिए, नंबर एक रोजगार दिलाने में फेल हो गई, नंबर दो यहाँ की गुनहगारी ख़त्म करने में फेल हो गई, नंबर तीन यहाँ नए उद्योग धंधे लाने के लिए फेल हो गई, नंबर चार किसानों की आत्महत्या रोक नहीं सकी। तो इस प्रकार के कई मुद्दे हैं जो मुद्दों पर काम किया जा सकता है और मैं समझता हूँ कि यही असफलता है हमको कांग्रेस पार्टी को सत्ता दिलाएगी और हम अगली सरकार कांग्रेस की इस प्रदेश में बनाएंगे। आखिरी एक सवाल ये कि जिस तरीके से कांग्रेस में देखा जा रहा है कि आपसी गुटबाजी चल रही है, क्या लगता है इस बार वो गुटबाजी ख़त्म हो जाएगी जिसके वजह से कांग्रेस मजबूत हो? नहीं, गुटबाजी तो हर जगह होती है, लेकिन जब टिकट वितरण हो जाता है और पार्टी का सवाल खड़ा होता है तो सब इकट्ठा हो जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो पार्टी के निष्ठावंत कार्यकर्ता है वो निश्चित रूप से इसको सुलझाएंगे और पार्टी की उम्मीदवारी जिस किसी को मिलेंगे उसके साथ खड़े होकर उसको विजयी बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे साथ थे डॉक्टर नितिन राउत जी, जिन पे पूरा महाराष्ट्र का भार दिया गया हुआ है चुनाव को लेकर, और खुद भी इस बार उत्तर नागपुर से, लोगों की इच्छा है कि इस बार उनके कार्यकर्ता की इच्छा है कि उत्तर नागपुर से नितिन राउत को टिकट मिले।